नमस्कार दोस्तों। तो अगर आप भी एक क्रिएटर हो तो शॉर्ट क्रिएटर हो या लॉन्ग क्रिएटर हो इससे फर्क नहीं पड़ता। मानो कि आपने अभी मोनेटाइज के लिए अप्लाई किया, अभी नहीं किया या कुछ दिन बाद या कुछ महीने के बाद आप जरूर करोगे, तो ऐसे में मानो कि आपका रिजेक्शन हो जाता है, कि रिजेक्ट कर दिया जाता है रियूज कंटेंट बोल के या दूसरा कुछ कारण बोल के, तो ऐसे में कितना बुरा लगेगा ना कि मैंने आपका वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी ये चीज़ होता है। सिर्फ एक चीज़ से आपका चैनल मोनेटाइज जो है वो रिजेक्ट नहीं होता है। इसके अंदर बहुत सारा चीज़ें हैं जो यूट्यूब वाले खुद कह रहे हैं कि जब आप अंडर रिव्यू में भेजते हो, यानी कि मोनेटाइजेशन के लिए जब आप अप्लाई करते हो, तो उसके अंदर यूट्यूब वाले क्या क्या चीज़ें चेक करता है, ये यूट्यूब वाले खुद बता रहे हैं कि हम लोग ये चीज़ यूट्यूब वीडियोस के अंदर चेक करते हैं। ये गलती आप करो ही मत, तो आपका जो वीडियो है या आपका जो चैनल है वो मोनेटाइजेशन रिजेक्ट होगा ही नहीं। कितना अच्छा होगा ना हर एक उन क्रिएटर के लिए जो यूट्यूब में कुछ करना चाहते हैं। तो ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है हर एक क्रिएटर के जो नए करके शुरू किया है या तो करना चाहते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए। ओके, तो यहाँ से मैं आपको 5 पॉइंट बता दूँ, और ये जो 5 पॉइंट है ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं बोल रहा हूँ और मैं कुछ बना के आपको चेप रहा हूँ, ऐसा नहीं है। यूट्यूब वाले खुद आपको ये चीज़ कह रहा है और मैं आपको एक एक करके बता दूँ। 5 पॉइंट से पहले नंबर पर हम लोग कहते हैं मेन थीम। अब मेन थीम क्या है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि मेन थीम क्या है। देखो, मेन थीम होता है कि आपके चैनल के जो थंबनेल और लोगो होता है ना, बेसिकली इन दोनों को ही देखा जाता है मेन थीम के अंदर। मेन थीम बेसिकली हम बनर को ही कहते हैं, लेकिन ऐसे में यहाँ लोगो भी जो है मैं उसको ऐड कर देता हूँ, क्योंकि ये भी बहुत मैटर है उन कैरेक्टर के लिए जिनको एक नया है। क्योंकि अगर आप शुरू कर रहे हैं यूट्यूब को, तो लोगो और बनर जो है आपको उन्हीं से रिलेटेड आपको बनर में लगाना होगा, जिससे रिलेटेड आपका यूट्यूब में वीडियो अपलोड कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आप वीडियो कुछ अलग अपलोड करें और आपको बनर कुछ अलग ने आपने लिखा। अगर आप सिंपल लिखते हो तो ऐसे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप उल्टा सीधा चीज़ें वहाँ पर चिपकाना मत, नहीं तो ऐसे में आपके जो मोनेटाइजेशन है वो रिजेक्ट भी हो सकता है। ये यूट्यूब वाले कह रहा है, मैं इसका आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा। और सेकेंड नंबर पर हम लोगों का आता है मोस्ट व्यू वीडियोज़। आप इसका मतलब क्या है, देखो आपने जब शुरू किया था यूट्यूब, उससे लेके आज तक जितने सारे आपने यूट्यूब में वीडियो अपलोड किया, उसमें से कौन सा ऐसा एक वीडियो होगा, हर किसी के चैनल में ऐसा एक वीडियो होता है जिसमें बहुत ज़्यादा व्यूज आता है, तो इसको हम कहते हैं कि आपके जो चैनल है उसके अंदर कौन सा ऐसा एक वीडियो होगा जिसमें बहुत सारा व्यूज आया है। तो ऐसे में क्या होगा, उसको भी चेक किया जाएगा जब आपका चैनल मोनेटाइजेशन के लिए अंडर रिव्यू में रहेगा। और ऐसे में आपके मन में सवाल हो सकता है कि ऐसा वीडियो क्यों चेक करता है। देखो, इसमें दो तरीके से प्रॉब्लम आ सकता है। पहला, अगर आपका वो वीडियो टोटली कॉपीराइट क्लेम है, यानी मानो आपका कोई ऐसा वीडियो है जिसमें 1 मिलियन व्यूज आया है और उस वीडियो का ड्यूरेशन था 2 मिनट 5 मिनट जितना भी हो सकता है वो है, और अगर उसमें मानो कि मतलब 2 मिनट का अगर आपका वीडियो है, अगर 2 मिनट ही अगर उसमें टोटली अगर कॉपीराइट क्लेम है, तो ऐसे में आपके जो मोनेटाइजेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि ये मैंने ही यूट्यूब वाले कह रहा है, मैं आपको लाइव प्रूफ भी दिखाऊंगा। उसके पहले आपको मैं और एक उदाहरण देता हूँ। देखो, यूट्यूब के जो पॉलिसीज होता है उसके अंदर ये चीज़ कहा जाता है कि अगर मानो कि आप ये जैसे ये मेरा वीडियो है, इस वीडियो के अंदर अगर कोई छोटा मोटा कॉपीराइट क्लेम भी होगा, अगर ये वीडियो मैं मोनेटाइजेशन के लिए भेजूँ तो ये मोनेटाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि इसमें मेरा ओरिजिनल वॉइस है, मैं ओरिजिनल हूँ, मेरा कंटेंट भी ओरिजिनल है, हो सकता है मैंने कुछ छोटा मोटा क्लिप ले लिया उसके वजह से कॉपीराइट क्लेम आ है, तो ऐसे सिचुएशन में आपका चैनल मोनेटाइज होगा। लेकिन अगर टोटली कोई आपने म्यूजिक उठा लिया या किसी का दूसरे का कंटेंट आपने सीधा उठा के चेप दिया, तो ऐसे में नहीं होगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये होता है मोस्ट व्यूज़ के अंदर ये भी चीज़ें होता है। और थर्ड नंबर पर हम लोगों का है कि रिसेंट वीडियो का मतलब आपको नाम सुनकर ही पता लग गया होगा, रिसेंट वीडियो यानी कि मानो अगर आप आज यूट्यूब का चैनल मोनेटाइज करने के लिए अप्लाई करते हो या कल करते हो या जब होगा तब, लेकिन उसके पहले आपको कुछ रिसेंट वीडियो अपलोड कर लेना होगा जो आपके रिलेटेड अगर आप डालते हो, तो ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, मोनेटाइजेशन जो है वो जल्दी हो जाएगा। क्योंकि इसमें क्या होता है, जब आप न्यू वीडियो अपलोड करते हो तो यूट्यूब वाले आपका वीडियो देखता है जब आपका चैनल अंडर रिव्यू में रहता है। अगर मानो कि उस टाइम आपने आपका फेस कैम वीडियो बनाया है, तो ऐसे में आपका बहुत ज़्यादा फायदा होगा और आपका जो चैनल है वो जल्दी जल्दी मोनेटाइज होने के लिए रेडी हो जाएगा। तो ये इस चीज़ को ध्यान रखना। और फोर्थ नंबर पे हम लोगों का है बिगेस्ट प्रिपरेशन ऑफ वॉच टाइम वीडियोस। देखो, बेसिकली इसमें क्या होता है, आपके जो एक वीडियो होगा आपके चैनल के अंदर जिसमें सबसे ज़्यादा वॉच टाइम आया होगा, उन्हीं के वॉच टाइम के वजह से आपके जो वीडियोज़ है वो मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई हुआ। लेकिन यह एक चीज़ आपको समझना है कि देखो, अगर आपने कुछ ऐसा वीडियो लिया जो ये जो पॉइंट है थोड़ा 2 नंबर से रिलेटेड करता है, आपके जो वीडियोस था उसमें क्या था, मोस्ट व्यूज जो था उसके अंदर भी ये चीज़ आपको नोटिस करना होगा। देखो, अगर आपका कुछ ऐसा एक वीडियो है जिसमें सबसे ज़्यादा व्यूज सबसे ज़्यादा वॉच टाइम आया है, तो ऐसे में आप उस चीज़ को ध्यान रखना, उसमें कॉपीराइट क्लेम नहीं होना चाहिए। इसमें प्रॉब्लम क्या होगा बताए, मानो कि आपका कोई ऐसा एक वीडियो है जिसमें बहुत ज़्यादा वॉच टाइम आया है और वो वीडियो कॉपीराइट क्लेम के अंदर चला जाता है,
तो ऐसे में आपको उस वीडियो को डिलीट करना होगा या तो उस म्यूजिक को म्यूट करना होगा। अगर आप उस वीडियो को म्यूट कर देते हो तो ऐसे में नुकसान आप ही का होगा, डिलीट भी अगर आप कर देते हो तो ऐसे में नुकसान आप ही का होगा। मानो कि आपने कोई एक वीडियो डिलीट कर दिया तो इसमें क्या होगा, उसका वॉच टाइम व्यूज जो भी था वो डाउन हो जाएगा, यानी कि फिर आपका जो मोनेटाइजेशन के लिए जो 4000 का वॉच टाइम था वो फिर कम हो जाएगा, कम हो गया यानी कि आपको और ज़्यादा टाइम लग गया मोनेटाइज करने के लिए या डिले हो गया। तो ये जो गलतियाँ है वो आपको अभी सुधार लेना होगा क्योंकि बाद में जाकर ये प्रॉब्लम आपके साथ ना हो, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। और लास्ट में हम लोग आता है वीडियो मेटा डेटा। अब ये मेटा डेटा बेसिकली आपके लिखने के तरीके को फॉलो किया जाता है। जैसे मेटा डेटा के नाम का है तो जैसे कि पहले नंबर पर हम लोग होता है टाइटल, आपके वीडियोज़ के अंदर आप टाइटल कैसे लगाते हो, टाइटल लिखते भी हो या मतलब हैशटैग या तो आप कोई भी इमोजी वगैरह डाल रहे हो सिर्फ। देखो हैशटैग डालने से वीडियो वायरल होता है ऐसा आपको सुनने में आपको अच्छा लगता है, लेकिन ये रियलिटी में इतना काम नहीं करता जितना आप सोचते हो। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वीडियो के टाइटल के नाम के वो हैशटैग के पास चिपके रहते हैं, उसको लगता है कि ऐसे करके वीडियो वायरल हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और यहाँ मेटा डेटा के दूसरे नंबर पर हम लोग आता है डिस्क्रिप्शन। देखो डिस्क्रिप्शन आपको बहुत सिंपल तरीके से बनाना आना चाहिए, अगर आपको नहीं आता तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सिंपल तरीके से आपको इसलिए बनाना होगा क्योंकि देखो आपके जो चैनल है आपको टाइटल के हिसाब से और आपके चैनल के हिसाब से आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने मतलब जो आपका टाइटल है उससे रिलेटेड और वीडियो के रिलेटेड के छोड़कर आपने दूसरा कुछ चिपका दिया और आपने बहुत सारा चीज़ें ऐड कर दिया, इमोजी वगैरह हैन तेन, और आपको कोई भी उल्टा फल्टा आपको अल्फाबेट यूज़ नहीं करना होगा जिससे आपके जो चैनल है उसमें मतलब इफेक्ट आए। ऐसे में आपको इस चीज़ को भी ध्यान देना होगा। और लास्ट में हम लोग आता है थंबनेल। देखो थंबनेल भी आपको उसी टाइप का लगाना चाहिए जिस टाइप का आपका वीडियो है। अगर आपने मानो कि थंबनेल में कुछ उल्टा सीधा चिपका दिया और आपके वीडियोस के अंदर कुछ अलग है तो इसमें नुकसान तो आप ही का होगा, लेकिन ये चीज़ बहुत मैटर करता है आपको थंबनेल के। अगर मानो कि आपने थंबनेल में कुछ उल्टा सीधा लगा दिया ऐसे में आपका जो चैनल है वो मोनेटाइज ही नहीं होगा, क्योंकि थंबनेल से भी चैनल आपका गाइडलाइन स्ट्राइक आ सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं छोटे छोटे जो हम छोटे छोटे चीज़ों को बहुत बार इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जब वही चीज़ उल्टा वापस आता है तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो ऐसे में आपको समझदार इसी में है कि जो जो चीज़ें मैंने बताया उसको सही तरह से फॉलो करो और उसको सही तरह से आपके चैनल के ऊपर आप लगाओ, देखना आपको बाद में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा और आपको किसी दूसरे के पास जाना नहीं होगा कि मेरा चैनल में ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। ऐसे में आपको इस चीज़ को पहले सुधार लेना चाहिए और मैंने जो वीडियो बताया है इसको सही तरह से फॉलो करना। उम्मीद करता हूँ मैंने जो ये वीडियो आपको बना के दिखाया आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो ऐसे में अगर आपको जाना है और भी YouTube से रिलेटेड टिप्स और ट्रिक के बारे में तो ऐसे में मेरे चैनल का फॉलो कर सकते हो या सब्सक्राइब कर सकते हो। तो इस वीडियो को हम यहीं से खत्म करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सी यू।